अगर कोई जिद करेगा कि हमें अंडे ही चाहिए तो हम अंडे भी देंगे, कोई कहता है हमें चूजा चाहिए हम चूजा देंगे, कोई कहेगा ब्रीडर चाहिए ब्रीडर देंगे, कोई चाहेगा कहेगा ना कि हम दो माह का या एक माह का इतने का एज का हमें चूजा चाहिए तो वो भी ना देंगे। तो उसका ट्रेंड आया था ना आएगा, और जिस हिसाब से वो चल रही थी वो उसी हिसाब से उसका जो... भाई आप मुझे ये बताएं कौन सी मुर्गी ऐसी है जो सोने का अंडा देती है? मुबशर, हर वो मुर्गी सोने का अंडा देती है जो आपको मुलाजम से मालक बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर अली और आप देख रहे हैं एमए इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। हमारे साथ मौजूद है अड्डा सोना देश पंजाब के सीईओ, हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी फार्म बना लिया तो माशाल्लाह से आज हम उनके पास मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने कौन कौन सी ब्रीड से अपना काम स्टार्ट किया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी जनाब, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आप अपना तारफ करवाएं और अपनी लोकेशन भी बताएं। सबसे पहले तो भाईजान बशर भाई आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से लाहौर से चल के हमारे पास आए हैं, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी टीम की मोहब्बत है कि आप चल के आए हैं। नाम मोहम्मद बख्श शाहद है, जिला पाकपतन का रहशी हूँ, मेरा फार्म शहर के साथ है। सर आपने फार्म क्यों बनाया? आप तो माशाल्लाह एक यूट्यूबर हैं और अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, तो आप इस फील्ड में क्यों आए, क्या रीज़न है? मुबशर भाई इस तरह था कि पहले तो कभी मुर्गियों का शौक था भी नहीं और रखी भी नहीं थी, लेकिन जब यूट्यूब पे हमने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे फार्म विजिट किए और उनसे शौक देख देख के शौक हुआ, फार्म का देख के, लोगों के शौक देख के, ब्रीड देख के, सेटअप देख के, तो फिर उसको देखते हुए हमने जब हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि हम काम कर सकते हैं तो फिर हमने अपना फार्म बनाया और शुरू कर लिया। तो फार्म जब आपने स्टार्ट किया था कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था? शुरू में हमने एस्ट्रोलॉर्प से शुरू किया था और बाद में साथ ही हमने लाइट सुसेक्स भी रख ली थी। तकरीबन घर से शुरू किया था, घर के कमरे से ही शुरू किया था, वहाँ पे छोटा बच्चा लेके आए थे डे ओल्ड का एस्ट्रोलॉर्प का, तकरीबन 18,000 रुपये का बच्चा लेके आए थे एस्ट्रोलॉर्प का। उसके बाद लाइट सुसेक्स हमने तकरीबन 100 पीस लाइट सुसेक्स का भी डे ओल्ड का चिक्स लिया था। जी आप हमें ये बताएं पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करनी चाहिए? बशर भाई पोल्ट्री फार्मिंग इस तरह से करनी चाहिए कि अगर किसी बंदे को बर्ड रखने का शौक है तो शौक से शुरू करे और शौक इंशाल्लाह आपका कारोबार में कन्वर्ट होगा। तो अगर शौक है तो पोल्ट्री आप शुरू कर सकते हैं, पोल्ट्री किसी भी बर्ड से आपका शौक है कि हम लगाओ है तो आप शुरू करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सही है। अच्छा सर जी इस काम में, इस फील्ड में इतने लोग अपना अप एंड डाउन भी हुए, कुछ लोग तो उनका तो बेड़ा ही गर्क हो गया बेचारों का, तो कुछ लोग इस स्टेप से माशाल्लाह अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, तो आपका क्या मानना है इसमें? बशर भाई अगर आप बड़े ख्वाब लेंगे ना कि हम इससे ये कर देंगे वो कर देंगे ये हो जाएगा तो फिर नहीं सिस्टम चलेगा। अगर आप थोड़े से शुरू करेंगे सही है, उसको बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे जिस चीज़ की समझ आ रही है, अगर कोई दौर एस्ट्रोलॉब का था लाइट सेक्स का भी है और आगे अयाम समानी है, और जैसे आप ट्रेंड के साथ चलेंगे अच्छी ब्रीड लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होंगे। तो आप क्या मूड लेकर आए थे इस फील्ड में? आपने कहा यार मुझे भी आना चाहिए इस फील्ड में, इतनी दुनिया कूद पड़ी है तो मैं भी जाऊँ। नहीं हमने ये नहीं देखा था, हमारी फील्ड ही असल में पोल्ट्री की होगी थी, सही है लाइफ स्टॉक की होगी थी, हमने चूज़ किया कि हम फार्म को भी टाइम दे सकें और अपना साथ में यूट्यूब चैनल भी रन करना है क्योंकि उस पर भी मेहनत कर रहे थे, तो हमने देखा कि इस पर जो है ना कम मेहनत है और अच्छी इनकम भी आ सकती है और हमारे जो है ना हमारे रिलेटेड भी है। अच्छा वो तो तब आपको लगता था जब आप लोगों के पास जाते थे, अब आपको क्या लगता है यार वाकई इस काम में मेहनत भी है और पैसा भी आ रहा है या नहीं आ रहा? तब तो आप लोगों के रिव्यू लेते थे यार आप इतने कमा रहे हो उतने कमा रहे हो, अब हमें लोगों को भी बताओ ना यार हमने इतने कमाए हैं वो भी पता चले ना आवाम को भी। बशर भाई उस टाइम भी मोटिवेट थे हम, सही है कि लोग कमा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इससे बहुत अच्छा खासा कमाया। ये जो आप फार्म देख रहे हैं ना, जो पहले तो हमने पैसे लगाए थे इस पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे समझ लें ये 4 लाख का तकरीबन हमारा फार्म था तैयार हुआ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फार्म फ्री में है और जो ब्रीड है वो भी फ्री में है। वो कैसे हमें भी बताएं ना किस तरह आपने इसमें कमाया? एस्ट्रोलॉब का काम किया था तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंडिंग में थी,
लेकिन ये है कि टॉप ट्रेंडिंग में नहीं थी, दरमियाना था, उस टाइम उससे भी अच्छा अर्न किया। और उसके बाद लाइट सक्स हमने ब्रीडर बना के वो सेल की, 100 चिक्स लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 70 से 80 जो ब्रीडर थे वो हमने तैयार किए, उनको सेल किया, मुनासिब कीमत में अच्छा रेवेन्यू मिला। तो इस हवाले से आप देख लें कि जो है ना मेहनत की है, ये नहीं है कि बस ऐसे ही बातें ही हैं, सही है ना। बर्तन भी खुद ही हाथ से हाथों से अपने हाथों से धोए हैं, उसके बाद सफाई भी की है, हर काम की है, तो फिर इस मुकाम पे पहुंचे। पहले आप किस ब्रीड पे थे, अब किस पे आ गए हैं आप? पहले भी हमारे पास एस्ट्रोलॉब थी, अब भी है, लेकिन ये नहीं है कि उस पे थोड़ा सा उसका ट्रेंड खत्म हो रहा है तो उसे छोड़ दिया। एस्ट्रोलॉब भी है, लाइट सक्स भी है, सही है। उसके बाद हमने कुछ फैंसी के वाले से बर्ड रखे हैं जिसमें पॉलिश है और वाइट हैवी बाफ है, गोल्डन हैवी बाफ है, ब्लैक हैवी बाफ है और बेंटम्स हैं। बेंटम्स में भी हमारे पास चार कलर है, वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, गोल्डन है और मोल्टेड भी है। और उसके साथ है, हमारे पास ब्रह्म है, लाइट ब्रह्म है और उसके प्ले माउथ भी है, इस तरह की माशाल्लाह काफी ब्रीड है हमारे पास। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, आप जो लोगों के पास जाके वीडियो बनाते थे, उनके पास किसी के पास 50 मुर्गियां थी, किसी के पास 60 मुर्गियां थी, तो आप उसमें बता रहे होते थे यार इसने 1,70,000 कमा लिया, 1,50,000 कमा लिया, वो कैसे कमा रही है? आपके पास तो माशाल्लाह इतना बड़ा जो एक अच्छा खासा ये आपने बनाया हुआ है सेटअप, तो आप कितने कमा रहे हैं? आप सिर्फ 4 लाख ही कमा रहे हैं इसमें? मुबशर भाई, 4 लाख नहीं हम कमा रहे, सही है। मैंने तो आपको जो हमारा तजर्बा है, जो हमने किया है, वो ही बताया है, सही है। आप ये देख लें कि तकरीबन 6 माह के राउंड बाउंड हमें हो गए हैं, सही है, टोटल काम शुरू किए हुए डे ओल्ड का जब से चिक्स लिया था, तो उसमें इतना अर्न किया है। आप साहब 6 माह का हिसाब लगा लें, ये 4 लाख का हमारा शेड तैयार हुआ था, ठीक है। अब इस टाइम तकरीबन 1.5 से 2 लाख की जो है ना ब्रीड भी हमारे पास पड़ी है, और ये करके उसके बाद जो अभी ब्रीडर है हमारे पास, सारे बच्चे नहीं है, जो आपको ब्रीडे बताई है ना, हर चीज के हम चूजे सेल कर रहे हैं, जो डेली बेस के अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अच्छे खासी अर्निंग अभी भी हो रही है। तो तकरीबन है अब जो है ना, आप समझ ले 5-6 लाख का मतलब है कि ये थोड़े से फर्स्ट टाइम जो बंदा है 1,70,000-80,000 मंथली कमा रहा है, तो और क्या चाहिए। अच्छा सर, आप हमें अब ये बताएं, आप जो इस वक्त चल रहा है आपका जो सीजन चल रहा है, इसमें आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, अंडे बेचकर या चूजे बेचकर? बशर भाई, अंडे तो हम सेल नहीं करते, सही है, क्योंकि उसमें जो है ना परेशानी बहुत ज्यादा होती है, फर्टिलिटी का इशू हो जाता है, कोई भी मसला बन जा सकता है, उनका इनक्यूबेटर खराब हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे अंडे आ रहे हैं, हर ब्रीड के अंडे आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बेंटम भी अच्छी खासी तादाद में है, मुख्तलिफ कलर, सारे कलर हैं, 4-5 कलर हैं, हैवी बाफ के भी हैं और प्ले मॉथ और पॉलिश भी है, सारी ब्रीड जो है ना इनके ब्रीडर ही हैं हमारे पास। तो हम इसका चूज़ा भी सेल कर रहे हैं, अगर किसी भाई को किसी बर्ड का ब्रीडर भी चाहिए तो हम ब्रीडर भी सेल कर देते हैं। हम किसी को जो है ना खाली नहीं भेजते, जो बंदा कहेगा ना, अगर कोई ज़िद करेगा कि हमें अंडे ही चाहिए तो हम अंडे भी देंगे, कोई कहता हमें चूज़ा चाहिए हम चूज़ा देंगे, कोई कहेगा ब्रीडर चाहिए ब्रीडर देंगे, कोई चाहेगा कहेगा ना कि हम 2 माह का या 1 माह का इतने का एज का हमें चूज़ा चाहिए तो वो भी देंगे, इंशाल्लाह किसी को जो है ना खाली हाथ नहीं जाने देंगे जो हमारे फार्म पर आएगा। अब हमें अब ये भी बता दें, आप लोगों को जाके जब हम वीडियो आप जाके बनाते थे वीडियो और लोगों को पूछते थे, जो फार्मर होते थे उनसे आप पूछते होते थे यार नए फार्मर को क्या मशवरा देंगे, अब आप माशाल्लाह इस फील्ड में हैं तो आप बताएं आप नए फार्मर को क्या मशवरा देंगे? बशर भाई, नए फार्मर को अगर किसी कोई कहता ना मेरे पास इन्वेस्ट भी नहीं है और मैं काम भी शुरू करना चाहता हूँ, बाकी फार्मर अपने हिसाब से अपने शुरू करवाते थे कि कहते गोल्डन मिश्री रख लो या तजर्बा हासिल करो, मैं कहूँगा कि आप बेंटम से शुरू कर लें, सही है, चिक्स ले आए, ब्रीडर ले आए, जितनी आपकी जेब खर्चा है, जितनी आपके हिसाब में आप बजट है ना उस हिसाब से शुरू करना चाहते हैं, ब्रीडर से शुरू कर लें, सही है ना, 5-7 सेट ले आए या चूज़े ले लें, 100 चूज़ा ले लें, वो आपका 15-20 हज़ार से काम भी शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह उसमें ये भी नहीं है कि आज आपने बच्चे निकलाएं और 4 माह बाद कहें कि इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया, ना तो उसका ट्रेंड आया था ना आएगा, और जिस हिसाब से वो चल रही थी वो उसी हिसाब से उसका वो कचरे वाले हिसाब से चल रही थी, वो चल रही थी वो अच्छी चल रही है, अभी भी उसका जो है ना लोग डिमांड भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कल को पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी, जो डरना जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो बेंटम से शुरू कर ले, सही है।
अच्छा मेरा एक और सवाल भी है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा यकीनन आपके लिए। आप जब लोगों के पास जाकर वीडियो बनाते थे तो लोगों के जो उनके नीचे रिव्यू आ रहे होते थे, कमेंट्स आ रहे होते थे, वो लोग कह रहे थे यार आप ये झूठ बोल रहे हो, आप ये वो झूठ बोल रहे हो, वो आपको अब पता बेसिकली पता चल गया होगा वाकई यार हम झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे, वो भी जरा ये बात क्लियर करें ना आवाम के लिए। बशर भाई जो तबसरा नगार होते हैं ना कमेंटों में आके, जो बंदा प्रोफेशनल जो काम कर रहा है ना, पता उस बंदे को किसी को दाद नहीं दे सकता ना, तो किसी को बुरा भला भी नहीं कहेगा। सही है, जो बंदा फ्री है ना उसको काम ही यही है कि किसी की जो कामयाबी वो देखी नहीं ना जाती, जो बंदा ही ऐसे जेलसपन करता है किसी फार्मर से किसी चैनल वाले से, वो ऐसे ही उठपटांग जो है ना कमेंट वगैरह करता रहता है, बाद बात कोई गलतियां हो भी जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, फार्मर भी कुछ कम ज्यादा कह देता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है। भाई आप मुझे ये बताएं कौन सी मुर्गी ऐसी है जो सोने का अंडा देती है? मुबशर हर वो मुर्गी सोने का अंडा देती है जो आपको मुलाजम से मालक बना दे। सही है ना, कोई भी मुर्गी आप रख लें वो आपका घर का खर्चा चला सके, 20-30 हज़ार आपको महीने का कमा के दे दे। कोई भी बंदा मुलाजमत कर लेना आप, 20-30 हज़ार जो बंदा कमा के किसी के पास मुलाजमत करता है ना, वो उसके आप भी समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद होता है। तो हर वो मुर्गी जो आपको थोड़ी सी घर में रख के पार्ट टाइम भी करके 20-30 हज़ार कमा दे, वो सोने की ही मुर्गी अंडा देती है। तो नाज़रीन आज की वीडियो यकीनन आपको बड़ी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ मुझे और मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद बख्श साहब को दीजिए इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान। कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा।